इसे पूरे पीले से इतने ओए बाप रे मम्मी काटे काटे दूर जा दूर जा भात खाली चूतने का काम ए रे खाली बहुत हुए ये दो तीन तीन बैंगन एक दिन की सब्जी आती है गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फिर से एक और दिन है सुबह के क्या और हाँ डाल दे मैगी पैकेट है। सुबह के बज रहे हैं 8:30। मम्मी बना रही है मैगी, दिखाती हूँ आपको ये मैगी। एक मिनट डाइट खोल लूँ मैं जरा। ये देखो ये बन रही है मैगी, एक्स्ट्रा मैगी मसाला के साथ। अरे मम्मी को स्कूल वगैरह जाना था इसलिए फटाफट मैगी बना के नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी स्कूल चले आएगी। वैसे नाश्ता नॉर्मली मैं बनाती हूँ बट कल रात में सो नहीं पाई। गाँव में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि नेट मेरे पास सिर्फ 1.5 GB है, 2 GB है। और जो ब्लॉग्स होते हैं वो 2 GB के एक बार होते हैं, तो अपलोड करने के लिए मम्मी का रात को 12 बजे के बाद फ्री हो जाता है नेट। तो उस चक्कर में मैं रात को 12 बजे तक जगे रहती हूँ और मम्मी उस कमरे में सोते दरवाजे बंद करके, तो कभी नेटवर्क आते हैं कभी वो नेट बंद हो आते हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है। कल रात में जगी हुई थी चक्कर में इसमें सुबह अभी उठी हूँ। बाहर तेज़ धूप आई हुई है। मम्मी ने ये देखो सारे जितने मतलब कल मैंने दिखाया होंगे आपको कपड़े जो निकाले थे बेडशीट वगैरह ये सब धो दिए हैं। वहाँ तक पूरी लाइन लगी हुई है। इस वाले कमरे की सफाई होनी बाकी, कल उस वाले कमरे की थी। ये देखो यहाँ पर सारे ये निकल चुके हैं। पर्दे अभी एक साथ धोंगी, ये सब अभी धोंगी, ये धोंगी। इसको धोने के लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। ये मम्मी का रूम और पहले मेरा रूम हुआ करता था, पहले मैं यहाँ पर सोया करती थी, मम्मी यहाँ सोया करती थी। तो इस रूम का अभी यह है कि बेडशीट चेंज हो गई है। देखो कितनी प्यारी बेडशीट बिछाई है मैंने, ये पिंक वाली ये ब्लू वाली। और यहाँ पर जो है ये सब मैंने कवर वगैरह और यहाँ जो भी नीचे दरियाँ बिछी हुई थी वो मैंने सब अभी निकाल के धो के मतलब सुखाने को रखी हुई है। तो मम्मी कह रही थी कि गाँव में क्या होता है जो ये घर होते हैं ये मिट्टी से लीपे आते हैं नीचे जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मम्मी कह रही थी कि इसको लीपूंगी पहले, तो मैंने कहा जब लीपूंगा तो उसी के बाद ही मैं जो चटाइयाँ वगैरह हैं और जो चीज़ें भी हैं कवर वगैरह वो सब लगाऊंगी। क्योंकि क्या होगा अगर मैं पहले लगा दूंगी तो फिर लीपने के बाद फिर से उसमें सारी धूल बैठ जाएगी। तो ये सारे काम भी करने मम्मी के पास टाइम नहीं मिल रहा है, तो मम्मी कर नहीं पा रही। आज भट भी चूटने, मम्मी कह रही थी कि सब अच्छे से डंडे से मार के पत्ते वत्ते अलग करने इसमें से। ये है आज का पूरा काम। मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले नीचे क्यारियों में थोड़ा सा मेथी थोड़ा सा राई थोड़ा मूली भिंडी इस तरह से बो भी दूँ, ताकि बाद में मम्मी को अगर कैसे होता है ना गाँव में कि ऐसे कुछ नहीं तो चलो अपने घर की थोड़ा सा हरी सब्जी खा ली। वो मैं देखती हूँ अगर आज टाइम मिलता है तो शाम को, वरना खेती क्यारी वाले का काम करेंगे। ऐसे मम्मी को और काम भी है। कहाँ वही है दिखी नहीं रहा, ताइजी का तो इतने हो रहे हैं पता नहीं ना, जमीन ही रखा है ही नहीं, है ही नहीं। आज बोएंगे ताई जी हम भी क्यारियाँ बनाएंगे आज है? किसका किसका घर खेत है? हाँ वो तो आपने खेत का अपना ही हुआ, लेकिन अपने खेत का कभी भी हाँ फिर भी अरे मेथी होती बहुत अच्छा लगता है ना अपने घर का, दूसरों का होने तो सबके पास हुआ। यहाँ पर हरी सब्जी ले यार ताजी, मिठाई के डब्बे में कैसे बोना हुआ बताओ आप है? नहीं यार अब इतना खाने वाला होगा तो मिठाई के डब्बे से कैसे खाएगा बताओ मम्मी? मेथी के पराठे खाएगा तू? इधर आ भाई शैतान, इधर शैतान, इतना शैतान हो रहा है ना ये। इधर आ जा, इधर जानू, इधर आ मेरे पास आ जा, मैं खिलाऊंगी तेरे को। ये आया हाथ, ये आया हाथ, ये इतना शैतान बच्चा है, इतना शैतान बच्चा है, बहुत शैतान। इसको अभी ताई जाएगी ना स्कूल तब इसको मैं याद आती हूँ। ताई जी स्कूल से आती है उसके बाद इसको पता ही नहीं होता कि मैं हूँ कौन, अगर मैं बुलाऊंगी भी तो भी नहीं आएगा। ये इतना शैतान है ये। कपड़े मैंने नहीं धो रखे, मैं बता दे रही हूँ कि मैं अभी सो के उठ रही हूँ, कल रात बस सोई नहीं हूँ, मम्मी ने धोए सारे। और दिवाली की तैयारी शुरू कर देते हैं ना, कम देर फोन लगा बेडशीट कितनी हुई कितने बेड हुए, आज ये वाला कमरा साफ करूंगी, फिर शाम को भट भी चूटने कह रही मम्मी। आपने भी चूटने भट कहाँ हो रहे हैं? तो भट के साथ साथ गोहत भी हो रही है, मैं दिखा दूँ। ये भट के वो है, ये है ना तैजी गोहत, तैजी फिर गोहत तो खाली ये रहे, ये रहे, ये
कहीं दिखाना तो खोल के लोगों को इसमें घात कैसे निकलती है। बाजार से खा रहे हैं क्या? हाँ, बाजार से लाई परसों एक किलो खरीदे। खाली घोत हुए ये बेकार जाए तो खाली हो रहे हैं गाइस। ऐसे फेंक के दिखाती हूँ रुको। ये है गहत, गहत की दाल खाते हैं ना पहाड़ों में, ये निकलती गहत की दाल। कुछ है ही नहीं, सब लोग यहाँ तिल गह सब चीज खरीद खरीद के खाते हैं। खेत तो बस खाली टाइम पास के लिए किए हुए हैं। और ताजी क्या बनाया आज नाश्ते में आपने? कुछ भी नहीं बना रखा आज। हरी सब्जी तो बना रखी है ये? हरी सब्जी नहीं, बैगन की। कल मैंने ही तोड़ के दिया इनको, बताया था कि बैगन वाला, कल मेरे को दिखाई दे, मैंने तोड़ के दिए इनको बैगन। मूली लाओ, दे दो मूली, घर की मूली टाइप की, कोई नहीं एक ही दे दो। ये देखो ये दादी ने अभी अभी फ्रेश तोड़ी है अपने क्यारी में से, थोड़ा दिन में सैलेड खाऊंगी। बाय जानू। मैं आ गई हूँ गाइस अभी नीचे अपने क्यारियों की तरफ को। मम्मी जा रही स्कूल के लिए। मैंने मम्मी से बोला कि एक्चुअली क्या है, मम्मी अकेले रहती है और यहाँ पर क्या है हमारे घर के वहाँ पहले जब मेरी दादी तब तो यहाँ पर बहुत मतलब सब्जी वगैरह हुआ करती थी, क्योंकि जो ये आपको खेत दिखाया था यहाँ सब्जी थी। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर इधर और इधर तो आपको खंभे गड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ हमारी भैंस रहा करती थी, यहाँ उसका बच्चा। तो ये जो भी आपको झाड़ पात दिखाई दे रहा होगा सब, यहाँ कुछ नहीं था क्योंकि तब हमारे भैंस वगैरह थी, तो यहाँ पर सारा भैंस पाते रहती थी। इधर अमरूद वगैरह, यहाँ क्यारी वगैरह, भैंस नहीं तो सारा झाड़ पात हो रखा है। क्योंकि काट के दें तो दे के सकते, क्योंकि भैंस वगैरह कुछ गाय भैंस तो है ही नहीं हमारे। और इधर जो क्यारी दिख रही होगी आपको, इधर सारी सब्जियाँ पीछे की साइड को सारी सब्जियाँ लगी रहती थी। तो अभी क्या है कि मम्मी और तेजी स्कूल चले जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं दिन में बंदर, बहुत बंदर, ऐसा भी नहीं कि एक दो बंदर, हजारों में बंदर आते हैं। तो इस चक्कर में मम्मी का करती है अब कि हमारा जो हमें दिखाया था ना, जो हम गए थे खेत में उस खेत साफ करने के लिए, उस खेत में क्यारी बोई थी, लेकिन खेत यहाँ से बहुत दूर है। अगर कुछ इमरजेंसी में सब्जी चाहिए हो ऐसे स्कूल से आके, मान लो मम्मी को कुछ बनाना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना यहाँ से वहाँ जाकर उस चीज़ को रोज रोज आना। तो मैंने मम्मी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम स्कूल को जाओ, मैं सफाई बाद में करूँगी, पहले मैं क्यारियाँ बना देती हूँ और उसमें थोड़ा बहुत जो हरी सब्जी वो बो देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं आपको ये भी दिखा दूँ उससे पहले, मम्मी ने देखो एक गमले में वो बोया हुआ है ये बैगन का पेड़, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था बंदर आ जाते, मम्मी इसको सुबह अंदर रख देती है और शाम को भी बाहर रख देती है। हाँ क्यों शाम को बनाओ फिर, मैं अंदर सफाई इसलिए नहीं करी क्योंकि तुम भर चुटोगे तो फिर धूल हो जाएगी। हैं ना भिगोती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मम्मी कह रही है कि शाम को करेंगे इसको, साथ में पहले गोबर रखना है इसमें। एक्चुअली गोबर भैंस नहीं तो गोबर भी कहाँ से आएगा, तो गोबर की इसे मांग के लाना पड़ेगा। मतलब गाँव में होके भी इतनी गरीबी से छाड़ रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम बोने के वाले हैं। तो मम्मी कहेगी शाम को हम दोनों साथ में मिलके कर लेंगे, अकेले में एक्चुअली आदत भी नहीं है ना, थोड़ा सांप वाप का भी डर लगता है, यहाँ पर सांप बहुत आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम बोएंगे क्या आज। ये आपको दिख रहा होगा मूली के, एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा ऐसे कर दूँ। ये है मूली, ये पार ताजी से मांगी मैंने, ये राई का बीज है। और ये है जो पालक के बीज लाई हूँ, क्योंकि यहाँ किसी के वहाँ पालक हो ही नहीं रहा, तो पालक के बीज लेकर आए हैं खरीद के। ये है सदाबहार धनिये के बीज, ये हमेशा होते रहता है, ये पहाड़ी धनिया है। और इसके अंदर है ये मेथी, मेथी भी हमारे यहाँ बोने के लिए थी नहीं, मम्मी ने कहा कि ये वहाँ बोनी क्या रही है, मैंने कहा वहाँ के किससे मांग लेना, यहाँ पर थोड़ा बोती हूँ, अगर मैं चल जाऊँगी तो ये रहता है ना कि मम्मी कम से कम कभी भूख लग रही है मेथी खाने का मन है, तो एक आदमी को कितना चाहिए होता है खाना, थोड़ा सा तो कम से कम मम्मी अपने लिए थोड़ा सा बना तो सकती है। मैं ये सब बोती हूँ, होगा नहीं होगा तो भगवान जाने, क्योंकि बंदर यहाँ रहने देंगे नहीं मुझे लगता नहीं है, बट अपनी तरफ से कर जाती हूँ जितना भी हो सकता है। अभी तो मम्मी मना करी तो अभी इसको वापस ले आती हूँ ऊपर, शाम को करूँगी, फिर फिलहाल मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो गाइस बात ऐसी है कि मम्मी गई है स्कूल, मम्मी और ताई जी। तो मम्मी ने बोला था कि आके जब मम्मी स्कूल से आएगी तो भट छूटेगी, मतलब भट के जो दाने होते हैं वो अलग करेगी झाड़ में से, बट मम्मी 2 बजे आएगी, कब खाएगी, कब वो फिर काम करेगी। और आज मैंने ताई जी को भी लंच पे बुलाया हुआ, तो उनके लिए भी खाना वगैरह रेडी किया है। तो इसलिए मैं क्यों ना यहाँ का ऊपर का हिस्सा तो कल करूंगी, क्योंकि वो सूखे नहीं है अभी, ये वाले जो झाड़ है सूख गई है। तो मैंने क्यों ना मम्मी के यहाँ तक एक काम ही खत्म कर लेती हूँ, मैंने बालों में ताकि धूल ना बैठे इसलिए दुपट्टा बांध दिया है। और अब हम शुरू करेंगे अपना घर चूटने का काम।
खराब हो गई गाइस। दिन के 12 बज रहे और बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है पूरे शरीर जल रहा है। ताई जी ने अपनी बिल्ली अंदर बंद करी हुई, तो देखो कैसे रोने में लगी हुई, यहाँ से देखो मेरे को देख देख के रो रही है। अभी अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये ख़त्म हो गया इसमें डंडा मार के, तो ऐसा नहीं है, अभी एक बारी की है, उसके बाद इसमें से जितने भी पत्ते निकलेंगे और दाने निकलेंगे पूरा ये सब चौथड़ झाड़ के उनको अलग करेंगे, जो बाकी का झाड़ बचा हुआ है ये देखो पूरे हाथ में लग गई है, दिख रहा है आपको? दिख नहीं रहा होगा शायद, पूरे हाथ में जगह जगह पर लग गई है क्योंकि मेरे को आदत नहीं है और इतने सालों बाद कर दूँ तो कमर में भी बैक में भी पेन हो गया है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। तो अभी इसको एक बारी हम झाड़ेंगे, दाने अलग करेंगे, फिर इसको 4-5 दिन तक और सुखाएंगे, फिर वही प्रोसेस दोबारा होगा, फिर से इसके ऊपर डंडा मारेंगे, फिर इसका झाड़ अलग करेंगे, फिर एक बारी और होगा, तब जाके ये दाल फाइनली बाहर आएगी। अभी यही सेम प्रोसेस जो ऊपर सुखा रखा है वहाँ भी करना है, बट वो वाला भी अच्छे सूखा नहीं है। और अभी ताई जी लोग आएंगे 1:30, तो उस समय खाना वाना खाना, फिर थोड़ा आराम करेंगे। मैं तो आराम करती ही नहीं, खैर मैं तो आप देख लो कल के कपड़ों में ही बैठी हुई हूँ, 2:30 बजे मैं नहाने आती हूँ, 3 बजे से फिर से काम पर लग जाती हूँ। तो अभी ये सब करती हूँ, बहुत टाइम बहुत करना है अभी। ताई जी मम्मी आ गए स्कूल से, ताई जी कह रही है तूने ताई किचन में ताई जी क्या बना रखा है, वो नहीं बनाया जो मैंने बोला था। मैंने कहा वो बनाने का लाइट भी तो होनी चाहिए, मैं कब से वेट कर रही हूँ वेट कर रही हूँ, 1 बज गया 1:30 बज गया लाइट का नामो निशान नहीं है। फिर ताई जी सुबह कह रही थी आज की इससे अच्छा झोई भात बनाती आज दिन में, वही हो गया, आज झोई भात ही बन गया ताई जी का फेवरेट। ताई जी कह रही मैं अपने घर लेकर खाना खाऊंगी, तो फिर आज मैंने बनाया है अंधेरे में देखो गाइस क्योंकि लाइट ही नहीं है, यह है हलवा सूजी का, ये है कड़ी और इसके अंदर इसके मम्मी ने खोलना है ना, इसके अंदर है हरी सब्जी, वो भी ताई जी के वहां से मांगी हुई है, मांगा हुआ माल अपने घर में लाके उन्हीं को खिला रही है। हाँ अच्छा ये बताना है, कह रही ये बता कि धो दागी भी ताई जी देगी, इसके बाद में 2 पानी और धोया फिर साफ हो रहा था, वैसे बदबू आ गई इसकी, ये मूली की मूली के पत्ते थे ना, हरी सब्जी खोली तो बदबू आ गई। तो गाइस आज बस बनने वाले थे मसूर के डुबके, भिगा दिया सब कर दिया लाइट की वजह से, फिर अब झोई भात और वो खाना पड़ रहा है, बट कोई नहीं ठीक है, लंच ऐसे ही होता है गांव में, झोई भात भी अच्छा लगता है। अब गर्म करके ताई जी को दे, ताई जी के मैं अपने घर में खाऊंगी, वो अपने बर्तन लेके भी आ रही, दिखाऊं बर्तन भी लेकर आ रही अपने थाली और कटोरा लेके। हाँ ताई जी को देती हूँ, भूख लग गई है, मेरे तो ताई जी हाथ में देखो तो छाले लग गए हैं, इस जगह पूरे सूज गए हैं, इधर ये मुझे लगा रखे हैं रखे, मम्मी कहते शाम को करूंगी, मैंने कहा क्या करेगी शाम को, मैंने कर दिए वो करते करते। और ये ताई जी का ये बिल्ली इतनी चालू बिल्ली है, वैसे नहीं आएंगे हमारे, देख रही मुझसे बात करी करके, वैसे नहीं आएंगे हमारे घर है। गई गई चालाक ज्यादा है क्या, अरे कम है कुछ नहीं है, अरे मैं ज्यादा ज्यादा बना रही मतलब है, नहीं खाना कम कर दो, कोई नहीं चलो मम्मी कम कर देगी, कितना खाते हो, इतना सही खाते हो क्या खाना, दे भगवान खाड़ी बनाया मैंने सदा चावल लो जैसा भी हो रहा हो, अब नमक ही चखा है मैंने, नमक चख लेना अब आप, अब थैंक यू बोलो मुझे, वो भी मांगना पड़ता है, खिलाते रहो। इतनी गहरी नींद आई ना दिन में खाना खाने के बाद, मैं थक गई थी मैं पूरा दिन भर वो भट वट छूटने के चक्कर में, और मेरे उठने तक मम्मी ने यहाँ पर देखो सारा ये सारे दाने निकले उसमें से, इतने सारे अभी ये भी अच्छे है साफ नहीं, क्योंकि वो जो भर थे ना एक्चुअली खेत में सब लोगों के खेत खाली हो गए थे, तो वो जो चूहे वगैरह थे वो हमारे खेत में आए थे सब खाने के, तो उसमें मम्मी ने हरे वरे भट्टी काट दिए थे, तो इतने अच्छे से सूखे नहीं है। अभी मम्मी ने मेरे आने के बाद फिर से दोबारा चूटे हैं भट्टों को, अच्छे से चूटा नहीं था क्योंकि मैंने, और ये सारा देखो इतना तो झाड़ निकला इसमें से, ये
ये पूरा झाड़ निकला हुआ है, इसको देख रहे हो कैसे कर रहा है? अच्छा देख रही हूँ तेरे को अच्छे से, क्या कर रहा है तू? और ये निकला है, ये सब भट है ना, ये ऊपर की तरफ से निकले हैं, अभी नीचे की तरफ से ये सारे देखो, नीचे की तरफ वाले जो भट है ना, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये अभी ऐसी ही है, इसमें अभी हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, ये शायद मम्मी कल को करेगी, इसके लिए टाइम भी चाहिए ना। कब से लगी हूँ मम्मी, 3 बजे से यहाँ पर पूरे धूप में खड़े होके, ये पंखा वंखा लगा के इसको साफ करने में, और धूल से पूरा देखो पूरा घर गया धूल से भर गया, इसीलिए मैंने सफाई नहीं करी अभी, मैंने कहा पहले भट वट को सब काम वाम हो जाए तो उसके बाद सारा सफाई वफाई करूँगी। इतना मेहनत करने के बाद कुल कम हुए होंगे यहाँ पर, ये होंगे मेरे ख्याल से 7-8 किलो भट वो भी सब अभी सब मेहमान वगैरह जो लोग भी आता है उनको सबको थोड़ा थोड़ा सा देते हैं बांटते हैं, तो ये सब चीज़ें खुद के लिए नहीं है, इधर उधर देने के लिए, हर गाँव में तो लोग कम ही खाते हैं। अब मम्मी नीचे की तरफ कुछ ये यहाँ के भट का भी उतने ही है बस, वो उतने ही दाने हुए, अरे मैं गलत बोली थी है, मुझे लगा कि नीचे वाले भट के दाने अलग होंगे, मम्मी के सारे भट के दाने ही उतने हैं, 4-5 किलो भट के इतनी मेहनत हो रही है, बताओ इतने दिनों से आज है नीचे आ रहे हो तुम? अरे हाँ लोगों को बताना ही भूल गई, हमारे घर में ना केले हो रहे थे, पहाड़ी केले, अभी तो सड़ गए हैं सारे रखे रखे, इसे पूरे पीले से इतने, ओए बाप रे मम्मी काटे काटे, अरे दूर जाओ दूर जाओ। तो हेमंत को कितना बोला केले खा लो केले खा लो, इधर उधर बांटे भी हेमंत के उधर भी, नहीं खाया उसने, उसके बाद सारे सड़ गए, फिर फेंक दिए, बहुत सारे केले हो रहे थे। अभी हमारी रात की सब्जी का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बना है, तो मम्मी जा रही है बैगन तोड़ने के लिए, ये भरते वाले बैगन है, क्या करते हैं फिर अभी ये? वो तो छोटे हो रहे, वो कहाँ तोड़ रहे हो, रहन दो मम्मी रहन दो, तोड़ो मत, मैंने दिखाए थे सब लोगों को बैगन, 1, 2, 3 बैगन, एक दिन की सब्जी आती है हमारी। तो आज घर के 2 बैगन ऑलरेडी पड़े हुए, 1 बैगन ये हो गया, ये बनेगी हमारी सब्जी आज रात की आलू बैगन की। मम्मी गई नीचे किसी के वहाँ से कुछ सामान लेने के लिए। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग का एंड भी यहीं कर देती हूँ, आपको मिलूंगी कल को, तब तक बनाती हूँ सब्जी वगैरह, और हमारे साथ साथ जानू भी करेगा ब्लॉग का एंड। जानू बाय बोल दो, बाय बोल दो, अच्छा देखा बाय बोला उसने म्याऊं करके। ठीक है गाइस, बाय बाय।